नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास एक सीपीयू बनने के लिए आया हुआ है। ऑन करने पे ऑन नहीं हो रहा, मतलब पावर नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इसका बटन, पावर बटन ये है, हम प्रेस कर रहे हैं तो नहीं कुछ हो रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसका पावर केबल चेंज कर लिया हमने, दूसरा SMPS लगा लिया, उसके बाद भी कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ है। तो अब हमने इसको सीपीयू के अंदर से ना, ये देखिए पूरा डब्बा खाली दिख रहा है इसके अंदर से, हमने इसमें से इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया। देखिए ये मदरबोर्ड है ना, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और बाहर निकाल चेक करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से दिक्कत है ये। अगर आप भी जानना चाहते हैं ना तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में आएगा। उसके पहले यहाँ चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सीपीयू को इसके अंदर से हमने जो है ना SSD ने निकाला, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसको निकाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेटा होता है। तो अभी कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम निकाले नहीं हैं। और ये उम्मीद है कि हार्ड डिस्क में या SSD में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। SMPS ये लगा हुआ है, मतलब सिंपल मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई बोल सकते हैं इसको, हम लगे रहने दिए, हम दूसरा SMPS चेक करेंगे, इसका काम खत्म हो चुका है। और बाहर, और हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें बहुत सारे तार दिए रहते हैं, पावर ऑन करने वाला जो स्विच होता है ना, उसका एक तार दिया रहता है जो कि मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है, इसको भी निकाल दिया है। तो हम उसको ऑन करेंगे किसी पेचकस से या किसी तरीके से, तो इसको हम नीचे रख लेते हैं। देखिए ये हमने CPU को जो है नीचे रख दिया, ठीक है। अब देखिए हमने बाहर क्या क्या निकाला हुआ है, हमने बाहर तो देखिए मदरबोर्ड हमने बाहर निकाल लिया है, और मदरबोर्ड पे 2 RAM लगा हुआ है, साथ में CPU फैन है, और इसके अंदर CPU लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है 99% चांस है कि मदरबोर्ड ही खराब है, लेकिन चेक कर लेते हैं। खैर ये वारंटी में है, इसमें हम कुछ रिपेयर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम अगर होगा तो हम सर्विस सेंटर भेजेंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं। चलिए, तो और दूसरा जो ये दिया हुआ है SMPS, देख रहा ना, सिंपल मोड पावर सप्लाई या बोल सकते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, यही होता है जो कि अपने कंप्यूटर को जो पावर देता है। अब देखिए वन वन में चेक कर ले, कैसे चेक करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास ये पावर बोर्ड है, ये पावर बोर्ड है, और पावर बोर्ड के अंदर हमने जो है एक तार लगा दिया जो कि हमारे सीधे कंप्यूटर में लगता था, ये तार जो है सीधे हमारे कंप्यूटर में लगता है। यहाँ से AC करंट आ रहा है तो हमारे AC कंप्यूटर में लगेगा। तो पहले चेक कर ले तार सही है कि नहीं सही है, पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमको 220 वोल्ट करंट मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तब तो ठीक है, वरना दूसरा तार लगा के चेक कर सकते हैं कि उसमें तार कभी कभी ख़राब हो सकता है। हमने चेक कर लिया, लेकिन आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, इस तार को चेक करेंगे। तो हमारे पास मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर मोटा मोटी मार्केट के अंदर 140 रुपये का मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें दो साइन बना हुआ है, एक V बना हुआ है और एक बना हुआ V ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। तो हम ये वाला नहीं करेंगे, हमको करना रहेगा, देखिए यहाँ पे एरो की बना हुआ है, इसको हम यहाँ 750 रुपये कर लेते हैं, ठीक है 750 रुपये कर लेते हैं। चप्पल पैर में पहन लीजिए, क्योंकि बॉडी में कंप्यूटर से अर्थ लेता है, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप जो है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटी ने, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आप 750 रुपये कर लिया हमने हैं। और देखिए ये रेड और ये लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने पावर ऑन कर दिया, यहाँ से तार ऑन कर दिया पावर। अब चेक करते हैं क्या इसके अंदर 220 वोल्ट करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तार खराब है, तार चेंज करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे ये डाल देते हैं, इसको हमने यहाँ डाल दिया, और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस पावर को देखिएगा, आप देखिएगा इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर कितना करंट आता है। तो यहाँ हमने ये डाल दिया, अब देखिए देखिए वहाँ पर 240 वोल्ट करंट आ रहा है, इसका मतलब तार ये ठीक ठाक है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं इसलिए हम आराम से काम कर रहे हैं, जल्दीबाजी में काम मत करिए, आपको करंट लग सकता है, इसलिए अगर हो सके तो दूसरा तार चेंज के चेक कर लीजिएगा। मतलब हमारा ये करंट यहाँ पे आ रहा है। अब चेक करते हैं जो देखिए ये SMPS है ना, SMPS काम क्या होता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट करंट आता है, ये करंट हम यहाँ SMPS में जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ गया, और उसके बाद ये जो है ना ये यहाँ पर DC करंट देता है। इस तारों में 12 वोल्ट करंट मिलेगा आपको, मिलेगा 5 वोल्ट करंट मिलेगा आपको, और इस तरीके से माइनस प्लस वोल्ट मिलता है। तो ये हमारे मदरबोर्ड में लगेगा ये वाला तार जो होता है, और ये हार्ड डिस्क में लगता है। तो हमने मेन पावर यहाँ लगा दिया है, और लगाने के बाद में अब इसको जो है अपने हम मदरबोर्ड में लगाते हैं, ठीक है मदरबोर्ड में लगाते हैं। उसके पहले अगर चाहें आप तो इस SMPS को चेक कर सकते हैं, क्या SMPS ठीक है ख़राब है, कि हो सकता है अभी ख़राब हो सकता है। खैर मैंने नया लगा दिया, लेकिन आपका SMPS चेक करना कि ख़राब है सही। देखिए अभी हमने इसको लगा दिया है ना पावर केबल को, तब भी इसका फैन नहीं चल रहा है, तो कैसे कंफर्म करें SMPS खराब है सही खराब है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, देसी जुगाड़ है, हम लोग ऐसे चेक करते हैं। देखिए आपको दिखेगा ये ATX करंट दिखेगा आपको, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये वाला दिख रहा है, इसमें 24 पिन कनेक्टर होंगे, इसको ले लीजिए। तो आप एक ऐसे सिंपल तरीके से एक तार दिख रहा है आपको, ये ऐसे तार है, दोनों साइड में छील लिया, ये इस साइड भी छील लिया, हमने इस साइड भी छील लिया, दोनों तार छील दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर जो है ना बंद कर देते हैं,
यहाँ से मेन पावर बंद कर देते हैं, तार निकाल लेते हैं हमें, और निकालने के बाद में जो ये दिया हुआ है ऑप्शन ये वाला ATX वाला करंट, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन तार दिया हुआ, ग्रीन एक दिया हुआ है, इधर से करेंगे 1 2 3 4 में ग्रीन दिया हुआ है और बगल में ब्लैक दिया हुआ है, तो ग्रीन में और ब्लैक में इसको डाल लेते हैं। वहाँ से देखिए तार बंद है, वहाँ से तार बंद हमारा है, ग्रीन में एक ब्लैक डाल दिया और दूसरा हम डाल देते हैं ग्रीन में। हम इसे SMPS चेक करें कि SMPS ठीक ख़राब है, ये इस तरीके से हम लोग जो है चेक करते हैं। इसको सीधा कर लीजिए कि कहीं दोनों तार आपस में शॉर्ट ना करे, वरना शॉर्ट करेगा दिक्कत करता है। ये हमने यहाँ पे ऐसे इसको देखिए डाल दिया, ठीक है। अब डाल दिया है, डालने के बाद में यहाँ से हम इसको देखिए, अब फैन यहाँ बंद है, फैन ये फैन बंद है ना, अब यहाँ से हम इसको ऐसे चलाते हैं, यहाँ लगाएंगे और लगाने के बाद में यहाँ देखिए हमने करेंगे, देखिए फैन चल गया, ये देख रहा ना फैन चल गया, ये घूम रहा फैन मूव कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो है स्विच ऑन हो चुका है, ये SMPS ठीक है। ये चाहे ये SMPS हो जाए जो इसका पुराना SMPS चेक करना था, तो इसी तरीके से ग्रीन में ब्लैक लगाकर मैं चेक कर लिया, SMPS काम करा, इसका मतलब SMPS ठीक है। अब यहाँ से बंद कर देते हैं, पावर बंद करके यहाँ से इसको निकाल देते हैं और यहाँ से इस तार को किनारे करके अब दोबारा इसको हम ना मदरबोर्ड में लगाते हैं। देखिए ये हमारा मदरबोर्ड है, ये G41 मदरबोर्ड है और इसको हम यहाँ लगाते हैं, ये मदरबोर्ड हमारा। इसमें देखिए ATX पिन कनेक्टर दिया हुआ, दिख रहा ना ये, तो ये मदरबोर्ड मालूम है आपको है कि यहाँ लग जाएगा, ये सिंपल तरीके से उल्टा लगेगा नहीं सीधा लगेगा नहीं, जैसा होता वैसे ही लगेगा ये, क्योंकि इसमें इसको रख के ऐसे आराम से इसको आप ऐसे बैठा दीजिए, देख के ऐसे इधर साइड होगा, ये बैठ गया, ठीक है। उसके साथ में ये करंट के साथ में एक 12 वोल्ट और करंट दिया रहता है, आजकल जितने नए मदरबोर्ड आते हैं, ये देखिए येलो कलर का 12 वोल्ट करंट दिया हुआ, इसको भी हम ऐसे लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया। अब लगाने के बाद में ये हो गया, अब हमारा देखिए ये पावर है और यहाँ से हम पावर इसको ऑन कर देते हैं, देखिए पावर यहाँ से इसको लगाते हैं, हम यहाँ से लगा के हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में पावर हमारा यहाँ आ चुका है, ये हमने यहाँ लगा दिया। अब देखिए मदरबोर्ड के ऊपर ना कुछ बटन दिए होते हैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे, जिस प्रकार से हम जो है तार को शॉर्ट किए थे उसी प्रकार मदरबोर्ड को हम शॉर्ट करेंगे, तब जाकर के हमारा ये फ़ैन ऑन होगा, ये मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में हमने पैर में चप्पल पहन रखा है कि कहीं से करंट ना आए। तो देखिए हर मदरबोर्ड के अंदर एक फ्रंट पैनल होता है, दिख रहा ना ये वाला, देखिए ये कुछ रंग बिरंगे दिए हुए फ्रंट पैनल हो गए, इसके अंदर दो बटन जो होते हैं स्विच का होता है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस साइड दिखा दो बटन जो है, इसको हम प्रेस करेंगे तो फैन वहाँ चल जाना चाहिए। देखिए हम लोग एक्सपर्ट है इसलिए इस तरीके से काम करते हैं, आप सिंपल तरीके से ऐसे रख दीजिए और उसको रखने के बाद में और नीचे जो है ना कुछ पेपर टाइप रख लीजिए, हमने पेपर लगा दिया नीचे लगा दिया कि कहीं से शॉर्टिंग ना करे, इस कर दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करके यहाँ से दो तार दिया हुआ, यहाँ से इसको हम क्लिक करके शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद फ़ैन नहीं चल रहा है, ये यहाँ शॉर्ट किया हमने तब भी पंखा ये नहीं चल रहा है, ये पंखा मूव करना चाहिए शॉर्ट करने के बाद में, जो इसका ऑन ऑफ बटन दिया होता नहीं चल रहा है। इसका मतलब कन्फर्म ये हो गया हमको है कि इसका मदरबोर्ड ख़राब है। क्यों ख़राब है? देखिए रैम ख़राब होता ना तो कंप्यूटर ये फ़ैन चलता, CPU ख़राब होता तो ये फ़ैन चलता, लेकिन अगर मदरबोर्ड ख़राब होगा तो फ़ैन नहीं चलेगा। हो सकता है कोई कंपोनेंट ख़राब हो इसके अंदर, कोई IC ख़राब हो, कोई पावर IC ख़राब हो, दिक्कत ये हो सकता है। तो हमारा तो ये मदरबोर्ड वारंटी में, हमारा क्या कस्टमर का ये मदरबोर्ड वारंटी में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कस्टमर को मैंने ये मदरबोर्ड दिया हुआ था, अब लेके जाता दुकानदार के पास में उसको दूंगा और उसको दुकानदार चेंज करके दूसरा देंगे, तो इसको हम लगा सकते हैं। ये सिस्टम है अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड चेक करने के लिए, ख़राब है सही है दोस्तों, तो हमेशा आराम से आप घर पर रह करके अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड चेक कर सकते हैं। हमेशा पैर में चप्पल पहनिए और सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। वीडियो से आपको सीखे हो, ये वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन पाए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ बता दूँ आपको, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसको क्या कहते हैं। देखिए ये जो पूरा बोर्ड दिख रहा है इसको मदरबोर्ड कहते हैं, ये जो दिख रहा है रैम कहते हैं, उसके बाद CPU अंदर दिया, CPU जो होता है ना इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस फैन के नीचे दिया रहता है। फैन इसलिए लगा रहता है कि उसको ठंडा किया जाए, मतलब उसको CPU को, तो फैन नीचे लगा हुआ है और सारा पोर्ट दिया हुआ है और ये SMPS हो गया है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और वीडियो पसंद तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों को नमस्ते दोस्तों।